दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओएनजीसी स्कॉलरशिप 2021 और 22 के बारे में। दोस्तों ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की तरफ से जो है यहाँ पर स्कॉलरशिप को निकाली गई है। जितने भी छात्र छात्राएं चाहे आप एससी कास्ट से आते हैं या फिर एसटी कास्ट से आते हैं या फिर ओबीसी जनरल कोई भी यहाँ पर कास्ट से आते हैं या ईडब्ल्यूएस यहाँ पर कास्ट से आते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन को कर सकते हैं। इसमें जो आपको 48,000 रुपये तक का यहाँ पर जो है स्कॉलरशिप देता है ओएनजीसी की तरफ से। फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप है, हर साल इसको निकाली जाती है। पूरे ऑल इंडिया के कोई भी यहाँ पर स्टूडेंट इसके लिए आवेदन को कर सकते हैं। इसमें किस प्रकार से आवेदन करना है, कैसे सिलेक्शन किया जाता है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, ऑनलाइन फॉर्म कैसे आपको जो है यहाँ पर भरना होगा, पूरी डिटेल्स के साथ हम यहाँ पर इस वीडियो में बताएंगे। आपको ऑनलाइन फॉर्म भी भर के यहाँ पर दिखाएंगे कैसे यहाँ पर फॉर्म भरना है। तो पूरी डिटेल्स के साथ हम यहाँ पर जो है बताने के लिए आपको ले चलते हैं अपने यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसमें पूरी डिटेल्स के साथ यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर आइएगा तो आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा ओएनजीसी स्कॉलरशिप 2023 पाए 48,000 रुपये। यहाँ पर पूरी डिटेल्स के साथ बताया गया डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, किस प्रकार से यहाँ पर आवेदन करना है और कैसे ऑनलाइन फॉर्म को आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। और जो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर अभी तक नया देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए इस प्रकार से आ गया है। यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलता है ओएनजीसी फाउंडेशन स्कॉलरशिप पोर्टल। यहाँ पर एक बटन मिल जाएगा आपको अप्लाई स्कॉलरशिप का। सिंपली आप यहाँ पर अप्लाई स्कॉलरशिप में क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर देखने को आपको मिल जाता है। यहाँ पर देखिए जितने भी स्टूडेंट चाहे वो जनरल कास्ट से आते हैं या जो है एससी एसटी ओबीसी कोई भी ईडब्ल्यूएस कास्ट से बिलोंग करते हैं तो वे सभी अगर सेशन 2021 या 22 21 से 22 में पास आउट हुए हैं ट्वेल्थ और अपने यहाँ पर जो है कोई भी कक्षा में जैसे कि एडमिशन लिए चाहे वो यूजी में लिए अंडर ग्रेजुएट में या फिर पीजी में लिए हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। कैसे कैसे यहाँ पर आवेदन करना है तो सबसे पहले इस चीज का आप ध्यान रखेंगे आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। जैसे यदि ओबीसी से हैं और आप अंडर ग्रेजुएट में हैं तो आप इसको यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा इस वाले ऑप्शन पर। यदि आप जो है यहाँ पर ओबीसी कास्ट से पीजी कर रहे हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। यदि आप जनरल आते हैं तो आपको इस लिंक पर क्लिक करिएगा और यूजी यहाँ पर होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है आपको कास्ट वाइज आप कौन सा कोर्स करना है उसको भी यहाँ पर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सभी का दिया हुआ है तो आपको सिंपली यहाँ पर जो है सभी का सेम प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए रूल ऑफ यहाँ पर फोर स्कीम यहाँ पर देखने को मिलता है आपको। डिस्क्रिप्शन में देखिए क्या क्या बताया गया है। चाहे आप कोई भी यहाँ पर जो है कास्ट से आते हैं तो आप यदि आवेदन करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 2 लाख रुपये से जो अधिक नहीं होना चाहिए और आपका जो यहाँ पर एज लिमिट है वो 30 ईयर रखा गया है, अधिक नहीं होना चाहिए। जेंडर में मेल फीमेल या जो है कोई भी यहाँ पर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कैटेगरी में यदि आपने ओबीसी में क्लिक किए तो ओबीसी दिखेगा, एससी में क्लिक किए तो एससी दिखेगा, एसटी में क्लिक किए तो एसटी यहाँ पर दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से कास्ट यहाँ पर जो है स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं ट्वेल्थ के बाद। अगर ट्वेल्थ में आपने जो है यहाँ पर 60% मार्क्स से आप पास आउट हुए हैं और आपने एमबीबीएस या जो है पीजी या जो है यहाँ पर ग्रेजुएशन या फिर जो है यहाँ पर कोई भी क्लास में यहाँ पर एडमिशन लिए हुए हैं ऑल इंडिया में कहीं पर भी तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वही स्टूडेंट आवेदन करेंगे जो फुल टाइम कोर्स कर रहे हैं, रेगुलर स्टूडेंट है उन्हीं को यहाँ पर दिया जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आप सभी को क्या लगेगा। देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट में आप सभी को जो है सबसे पहले तो अगर आपने एडमिशन लिए है तो आपको एडमिशन फीस रिसिप्ट देना है कि हमने इतना रुपया का एडमिशन लिया हुआ है। उसके बाद एप्लीकेंट यहाँ पर इमेज यानी कि जो आवेदन करने वाले होंगे उसका इमेज लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जाति प्रमाण पत्र, एनुअल इनकम यानी कि आय प्रमाण पत्र लगेगा, प्रूफ ऑफ एज यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट मिले लगेगा आपको। यहाँ पर जो है आपका ट्वेल्थ का मार्कशीट देना है, एक यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म आपको जो है कॉलेज से बनवाना पड़ेगा जो कि हम आगे बता देते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म, तो वो जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलता है डिक्लेरेशन फॉर्म, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये डाउनलोड होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड होने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपना पापा का नाम लिखेंगे, उसके बाद आपका कोर्स क्या
आपका ईयर क्या है वो लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रीम आपका क्या है वो लिखेंगे कोर्स में, और उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है यूनिवर्सिटी नाम, आपका जो भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर लिखेंगे। एकेडमिक ईयर अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, जैसे कि 2021 से 22 है या 22 से 23 है, जो भी यहाँ पर दीजिएंगे। यहाँ पर इनरोलमेंट नंबर कॉलेज से पता कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना है, यहाँ पर प्रिंसिपल का जो है आपको मुहर और सिग्नेचर लगा करके आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म भरते समय। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल का जो है यहाँ पर कौन कार्यरत में है, यहाँ पर उसका नाम होगा, मोबाइल नंबर होगा, नेम होगा उसका, प्लेस डेट सब चीज़ यहाँ पर डालना जरूरी है। आगे हम बताएँ कहाँ पर अपलोड करना है, हालांकि इस समझ में आ गया कि आपको जो डिक्लेरेशन किस प्रकार से यहाँ पर यानी कि डालना है। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिए आपको आपको और कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा, जैसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर पीजी एप्लीकेंट ओनली, जो पीजी वाले हैं तो उसको यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन का मार्कशीट देना यहाँ पर जो है अगर आप जो है ग्रेजुएशन मार्कशीट नहीं देंगे तो फिर आप फॉर्म को नहीं फिल कर पाएंगे। और यहाँ पर देखिए और कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट है जो नन यहाँ पर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपको इसको देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो नहीं दीजिए, दोनों में से कोई भी। जैसे कि 1 से लेकर के 12 तक आपको जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, यानी 12 कुल डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 12 नंबर में ECS फॉर्म आता है, जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है आपको ES फॉर्म, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलता है यहाँ पर, तो अंडरटेकिंग में इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, भर करके आपको अपलोड करना है। सारा चीज़ आपने देख लिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं भरने का प्रोसेस में। तो यहाँ पर जो है आपको इस प्रकार से यहाँ पर चेकबॉक्स में मार्क लगाना है, उसके बाद आगे आप हम लोग जो है फॉर्म में अप्लाई में चलेंगे। यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अप्लाई का बटन ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन भरना पड़ता है, उसके बाद एड्रेस डिटेल्स आपका भरना है, क्वालिफिकेशन आपने अभी तो कौन सा कक्षा में है, कौन कौन कक्षा में पास आउट हुए हैं सभी को भर लीजिएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पर देना है, ये इसमें आपको इनकम सर्टिफिकेट के बारे में पूछेगा, आपका पापा के बारे में पूछेगा कि क्या कमा रहे हैं क्या करते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलता है बैंक डिटेल्स, यहाँ पर अपना बैंक डिटेल्स भेज डालना है, जो कि आपका ये है इम्पोर्टेंट है, इसी में आपका पैसा आएगा। यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स है, आपको बता दें कि 1 से लेकर के 12 तक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कुल 12 डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, जो कि हमने आप सभी को अभी जस्ट ही बताया कि यहाँ पर 12 डॉक्यूमेंट में क्या क्या यहाँ पर अपलोड करना पड़ रहा है। ये सब जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट हमने बताया यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 नंबर से लेकर के 11 नंबर तक, तो ये सभी डॉक्यूमेंट टोटल जो है 8 नंबर 9 नंबर 3 नंबर सारा को अपलोड करना पड़ेगा। 12 नंबर का जो फॉर्म है इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा अंडरटेकिंग, इसको डाउनलोड करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा, इसको आपको भरना है, भरने के बाद जो है फिर आपको अपलोड करना है। देखिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये डॉक्यूमेंट 12 नंबर का, यहाँ पर अगर आप देना चाहते हैं तो दीजिए, नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं दीजिए। यहाँ पर फोटो आपको लगाना है, उसके बाद अंडरटेकिंग स्टूडेंट है यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर पापा का नाम लिखना है, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको कॉलेज के द्वारा सारा चीज़ यहाँ पर भरवा लेना, इंस्टीट्यूट का नाम देना है, ईयर वगैरह सब यहाँ पर हो जाएगा, कोर्स आपको देना है कौन सा कोर्स कर रहे हैं स्ट्रीम में, उसके बाद यहाँ पर ईयर डालना है, ठीक है। सारा चीज़ डालने के बाद यहाँ पर नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो है सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट होगा, यहाँ पर सारा चीज़ आप डाल करके उसके बाद यहाँ पर अपलोड कर लीजिएगा, जो कि आपको यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा जब हम लोग अप्लाई में जाते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने का सेक्शन में, आपको यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट में आपको अपलोड करना है। सारा चीज़ हो जाएगा तब आप सभी का जब यहाँ पर चयन होगा तब आप सभी को ईमेल के द्वारा सूचित किया जाएगा, फिर ONGC कार्यालय में आपको जाना है, फिर आप सभी का चयन वहीं से किया जाएगा। तो ये कुछ आवेदन का प्रोसेस है, आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल हुआ होगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा।